सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाल दी गई हैं 2023 की, जिसमें सिर्फ आईटीआई पास आउट छात्र एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर एमटीएस की टेक्निकल वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्टें कितनी हैं, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है तो देखिएगा, 18,000 रुपये से 56,900 रुपये लेवल 1 की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एक परमानेंट सरकारी भर्ती आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आप लोगों को कम्प्लीटली ये फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद इसके साथ सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को सेंड कर देना है। सेंड कहाँ पर करना है अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस लगने वाली है, और ऑल अदर कैटेगरीज OBC UR EWS इन सब के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली हैं फॉर्म को फिल करने की। और आप लोगों को फ़ीस कैसे इसकी पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस विल हैव टू बी सेंड टुगेदर विद द एप्लीकेशन बाई डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू आप लोगों को इसकी फीस जमा करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए आप लोगों को DD बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि 1000 या 500 रुपये आपकी जो भी फीस हैं वो, और आप लोगों को ये DD भी अपने फॉर्म के साथ सेंड करना होगा, ठीक है। पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही होगी MTS टेक्निकल की जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की, इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ITA पास आउट छात्रों के लिए हैं। इसमें अदर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए MTS टेक्निकल की पोस्ट के लिए 10th प्लस ITA इन्होंने मांगा है, जो कि मैंडेटरी है। सिर्फ ITA छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं और कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो देखिएगा, ये जो पोस्ट हैं MTS टेक्निकल की, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि 10 तो आपकी होना ही चाहिए, इसके साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए रिक्वायरमेंट है। एज यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई हैं। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो मिलता है OBC कैंडिडेट को 3 साल का और SC & ST कैंडिडेट को 5 साल का। लेवल 1 की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि 18,000 रुपये से और स्टार्ट होती हैं। लेवल 1 की सैलरी में आप लोगों को स्टार्टिंग ही अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी कोलकाता रहने वाली है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अपने सारे कैटेगरी वाइज और एज रिलैक्सेशन के लिए या फिर अदर कैटेगरी रिलेक्शन के लिए अपने सारे कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट आप लोगों को इसमें लगाने होंगे। फॉर EWS फॉर OBC सारा यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों का स्किल टेस्ट भी इसके लिए रहने वाला है, जो ITA पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए। आप लोगों को फॉर्म जो सेंड करना है 10/10/2023 को इसका नोटिफिकेशन आया है, और आप लोगों को यहाँ से 30 दिन तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सेंड कर देना है आप लोगों को लास्ट डेट से पहले पहले। और आगे हम देखेंगे डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू आदि सब कुछ आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा IACS की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सारे जाति मूल, वैसे तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं लेकिन आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने के बाद एक लिफाफा लेना है। लिफाफे पर सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट अपनी लिखनी है, जो MTS की आप लोगों की पोस्ट है ITI की। ये सारा लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट का नंबर लिख देना, जो कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये सेंड करना है द रजिस्ट्रार इंडियन एसोसिएशन फॉर द
कल्टीवेशन ऑफ साइंस 2A&B राजा SC म्यूलिक रोड कोलकाता, जिसका जहाँ का पिन है 700032। यहाँ पर बाई पोस्ट आप लोगों को भेज देना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा, क्योंकि अब समय कुछ ही दिन का बचा हुआ है। वैसे तो अभी 10 तारीख से ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप आराम से भेज सकते हैं। बाकी जितना जल्दी हो सके जल्दी भेजने की कोशिश करना, क्योंकि अब छुट्टियाँ आ रही हैं सभी डिपार्टमेंट्स में। ये सारी चीज़ें सेंड करने के बाद आप लोगों को इसकी जो भी अपडेट रहेगी, जैसे कि एग्ज़ाम की अपडेट हो गई रिटर्न एग्ज़ाम की, या फिर स्किल टेस्ट वगैरह की, तो वो IACS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि सारे जो काम की चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा आप लोग जो भी देखना चाहे, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपकी क्वेरी है, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ का रिप्लाई मैं आप लोगों का कर दूंगा। और फॉर्म को ज़रूर से फिल कर दीजिएगा। ये फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और इसका फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और जो भी पूछना है इस फॉर्म के बारे में या कुछ भी आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं एक एक चीज़ का रिप्लाई आपको कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर गाइस, आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITI से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ICS की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाल दी गई हैं 2023 की, जिसमें सिर्फ ITI पास आउट छात्र एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर MTS की टेक्निकल वैकेंसीज निकाली गई हैं, पोस्टें कितनी हैं, कितनी आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है तो देखिएगा, 18,000 रुपये से 56,900 रुपये लेवल 1 की सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एक परमानेंट सरकारी भर्ती ITI पास आउट छात्रों के लिए रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के द्वारा जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को कम्प्लीटली ये फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद इसके साथ सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को सेंड कर देना है। सेंड कहाँ पर करना है अभी हम देखेंगे। यहाँ पर ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस लगने वाली है, और ऑल अदर कैटेगरीज OBC UR EWS इन सब के लिए 1,000 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली हैं फॉर्म को फिल करने की। और आप लोगों को फ़ीस कैसे इसकी पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस विल हैव टू बी सेंड टुगेदर विद द एप्लीकेशन बाई डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू आप लोगों को इसकी फीस जमा करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फेवर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लिए। आप लोगों को DD बनवाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि 1,000 या 500 रुपये आपकी जो भी फीस हैं वो, और आप लोगों को ये DD भी अपने फॉर्म के साथ सेंड करना होगा, ठीक है। पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रही होगी MTS टेक्निकल की जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की, इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, और ये सिर्फ ITI पास आउट छात्रों के लिए हैं, इसमें अदर कोई भी